जैसे कि आप जानते हैं कि व्यापार, अब व्यापार यह संकल्पना जो है अति प्राचीन काल से ही हमारे अस्तित्व में है। अर्थात ये नहीं है कि व्यापार कोई एक नई संकल्पना है, नहीं, ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है। अर्थात लेन देन की प्रक्रिया, जैसे जब मैंने उसकी संकल्पना आपको बताई तो मैंने कहा जहाँ पर आयात निर्यात होता है, क्रय विक्रय होता है अथवा लेन देन की प्रक्रिया होती है, उसी को कहा जाता है व्यापार। तो व्यापार जो है यह अति प्राचीन संकल्पना है, ये पुराने समय से ही हमारे समाज में स्थित है। प्राचीन व मध्ययुगीन काल में व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति से के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय पद्धति अर्थात जहाँ पर वस्तुओं का लेन देन होता था, अर्थात जैसे मेरे पास शक्कर है, आपके पास जो है चावल की मात्रा अधिक है, तो मैंने तुम्हें शक्कर चाहिए और मुझे चावल चाहिए, तो मैंने क्या किया, आपको शक्कर दे दिया और आपसे हमने चावल ले लिया। इस पद्धति को कहा जाता है वस्तु विनिमय पद्धति, अर्थात वस्तु के बदले में, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन, और इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। तो पहले प्राचीन समय में हमारे पास जो लेन देन की प्रक्रिया चलती थी वह इसी माध्यम से चलती थी। आपने भी देखा होगा कि बचपन में गांव में वो आइसक्रीम वगैरह वाले आते हैं, तो हम क्या करते थे, उन्हें चावल, गेहूं, जो भी अनाज हमारे पास अधिक मात्रा में होता था वह दे देते थे और उनसे आइसक्रीम ले लेते थे। तो ये क्या हो गया, उसके पास जो है आइसक्रीम का उत्पादन है और हमारे पास चावल गेहूं का उत्पादन है, तो हमने उसे चावल गेहूं दे दिया। इस तरह से उसके पास चावल गेहूं हो गया और हमारे पास आइसक्रीम भी हो गया। तो अर्थात यहाँ पे वस्तुओं का लेन देन होता था। श्रम के बदले अनाज अथवा अनाज के बदले तेल, नमक, शहद, दूध आदि पदार्थों का लेन देन होता था। इस व्यापार के मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब पहले जो था मुद्रा नहीं थी, मतलब पैसों का लेन देन नहीं होता था कि हम सामान लेने, आज अगर आप दूध लेने जाते हो तो आप उसको पैसे देते हो, लेकिन प्राचीन समय में या मध्ययुगीन की हम बात करें तो वहां पर अगर हम जैसे कि दूध लेने गए तो दूध वाले के यहाँ पर तेल नहीं है तो हम उसे तेल दे सकते हैं। तो इस तरह से वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा वहां पर व्यापार किया जाता था। घरों में पुराने वस्त्रों के बदले बर्तन, डिब्बे देने वाले व्यवसायी आज भी दिखाई देते हैं। आज भी आप देखते हो कि भांडी वाला आता है, वह क्या करता है कि पुराने आपके जो कपड़े होते हैं, पुराने धुराने कपड़े होते हैं, उसे लेता है और उसके बदले वो आपको बर्तन देता है। यह जो पद्धति है इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, जो हमें आज भी दिखाई देता है। परंतु इन वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारित करने में समस्याएं निर्माण होती हैं, क्योंकि कौन से दाम में कितना मिल रहा है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो प्राचीन काल में भी ऐसी समस्याएं निर्माण होती थी। प्राचीन काल में भी वस्तुओं का सही मूल्य आंकना जो था वो बहुत ही मुश्किल काम था, वह पता नहीं चलता था। प्राचीन काल में भी ऐसी समस्याएं निर्माण होती थी। इसके उपाय के रूप में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, अर्थात कि जब वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होगा तो हमें पता होगा कि इसके लिए ये इतना पैसा दे दो, बस बात खत्म। अदरवाइज क्या होता है कि मूल्य निर्धारित नहीं है तो उसके बदले में हम कम दे रहे हैं या अधिक दे रहे हैं, उसका उसे आंकना मुश्किल था। आज के आधुनिक युग में व्यापार मुद्रा के द्वारा ही होता है। आज हम कहीं पर जो है इस तरह से वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा व्यापार नहीं करते हैं, वहाँ पे व्यापार जो है वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है। परंतु आज भी कुछ दुर्गम भाग अर्थात जो पिछड़े भाग है, गांव वाले भाग है, आदिवासी जनजाति है, में अल्प मात्रा में वस्तु विनिमय पद्धति पाई जाती है। वहां पर अभी भी वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं को लेन देन द्वारा प्रक्रिया सुचारू रूप से उनका व्यापार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि व्यापार जो है वह उसकी संकल्पना किस तरह से और उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है,
जब किसी भी वस्तु को हम लेन देन करते हैं तो उस वस्तु को उसे दृश्य व्यापार कहा जाता है। क्लियर है? तो दृश्य व्यापार किसे कहते हैं? जब हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये पिक्चर जो है वो दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, वस्तु है, राइट। तो यहाँ पे वस्तुएं दी जा रही हैं। जब वस्तुओं का लेन देन हो रहा है या इसने जो है ये सामान बेचा, अब ये इसके बदले उसे पैसे देगी, तो इस तरह से जब वस्तुएं दी जा रही हैं तो इसे कहा जाता है दृश्य व्यापार। किंतु परंतु जब सेवाओं का लेन देन होता है तब अदृश्य व्यापार कहा जाता है। तो इस तरह से व्यापार को दो भागों में पहले बांटा गया है, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार। अब अदृश्य व्यापार के लिए उदाहरण आप देखोगे, जैसे ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, सेवा उपलब्ध कर रहा है। वह जो है दवाइयां दे रहा है अपने पेशेंट को, क्या दे रहा है, दवाइयां दे रहा है। वह अपनी तरफ से सेवा उपलब्ध कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे अदृश्य व्यापार। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो है उदाहरण हमारा दृश्य व्यापार का है, जहाँ पर वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, और यह जो व्यापार है यह हमारा अदृश्य व्यापार है, जहाँ पर सेवाओं का लेन देन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि व्यापार के प्रकार कितने हैं। तो सर्वप्रथम व्यापार के प्रकार जो हैं, वह दो प्रकार के हैं। पहला है वस्त्र की मात्रा के अनुसार, वस्त्र की मात्रा के अनुसार उसे उसके अनुसार व्यापार किया जाता है। दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार व्यापार किया जाता है। तो इस तरह से व्यापार जो है वह दो प्रकार से किया जाता है। एक हमारा होता है वस्तु की मात्रा के अनुसार, जिसे कहते हैं वस्तुओं की नग संख्या, अर्थात तो उसकी संख्या कितनी है, ये जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 उसे कहते हैं नग संख्या। और दूसरा जो है वह प्रदेश या कोई क्षेत्र के विस्तार के अनुसार किया जाता है। जो नग के अनुसार होता है वह थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार होता है। ध्यान में रखिए, क्या होता है वह, जो नग के अनुसार वस्तु की मात्रा के अनुसार किया जाता है वह थोक व्यापार कहलाता है या चिल्लर व्यापार कहलाता है। दूसरा जो है जो प्रदेश और क्षेत्र के विस्तार के अनुसार किया जाता है वह राष्ट्रीय या स्थानीय व्यापार कहलाता है, और एक दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थात बाह्य व्यापार। तो इस तरह से प्रदेश के अनुसार अर्थात राष्ट्र के अंदर जो व्यापार चलता है उसे राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार कहते हैं। एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाह्य व्यापार कहा जाता है। तो इस तरह से व्यापार को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तु की मात्रा के अनुसार किस तरह से व्यापार किया जाता है। तो वस्तु की संख्या के अनुसार थोक तथा चिल्लर ऐसे दो प्रकार किए गए हैं। जितने वस्तु की संख्या जिस प्रकार से होती है उसी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक है उसका थोक भाग और दूसरा क्या है, चिल्लर व्यापार। तो इस तरह से दो किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि थोक व्यापार क्या है। तो थोक व्यापार अर्थात व्यापारी जब बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदी करता है, जब कोई भी व्यापारी है वह जो है अपने व्यापार को चलाने के लिए किसी भी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीद लेता है, उत्पादन से सीधे या खरीददारी की जाती है, तो उसी को कहते हैं थोक व्यापार। वो क्या करता है, जहां से उत्पादन हो रहा है अर्थात जैसे चावल का व्यापारी है तो क्या करेगा, जहां से किसान उसे उत्पादित करता है वहीं से वो माल को उठाएगा अर्थात चावल उठा लेगा, तो अधिक मात्रा में वह चावल खरीद लेगा। तो यह जो होता है थोक व्यापार, ध्यान में रखिएगा कि उत्पादक अर्थात जो उसका उत्पादन कर रहा है वहां से वह सीधे उस वस्तु की खरीदारी करता है, और खरीदे हुए माल को चिल्लर व्यापारियों से विक्रय किया जाता है। उसे क्या किया जाता है, चिल्लर व्यापारी अर्थात अलग 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 व्यापारी आएंगे। चिल्लर अर्थात क्या हो गया, अलग अलग। चिल्लर हम कहते हैं छुट्टा,
छुट्टा मतलब वही हो गया कि अलग अलग व्यापारी जो है वह उसे बेचते हैं। तो इस समय होने वाले व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। इस तरह से जो व्यापार किया जाता है उसी को हम थोक व्यापार कहते हैं। कारखाने, उदाहरण के तौर पर कारखाने से कृषक आदि से थोक व्यापारी बड़े मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आम अथवा संतरा के बागान मालिक से जो आम को उत्पादित करता है, या कोई संतरा अधिक मात्रा में उत्पादित कर रहा है तो आम या संतरा जो उत्पादित कर रहा है उसके मालिक से थोक व्यापारी पूरे माल की खरीदी कर लेता है और इसी को कहते हैं थोक व्यापार। दूसरा हम देखेंगे चिल्लर व्यापार। अब देखेंगे कि चिल्लर व्यापार कैसे किया जाता है। तो बड़े थोक व्यापारी से, अब ये चिल्लर माल कैसे, चिल्लर व्यापार कैसे किया जा रहा है कि बड़े थोक व्यापारी से माल खरीद कर सीधे उपभोक्ता की वस्तुएं बेची जाती हैं। अर्थात जैसे सेब संतरा का जो व्यापारी है, मालिक है, उससे थोक वाले ने खरीद लिया। अब थोक वाले से जब ये अलग अलग दूसरे व्यापारी जाते हैं, ये चिल्लर व्यापारी कहे जाते हैं। तो ये जो है चिल्लर व्यापारी या जो है वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, अर्थात हम तक पहुंचाते हैं और इसे चिल्लर व्यापार कहते हैं। इसमें वस्तुओं की मात्रा कम होती है, ये अधिक मात्रा में वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, क्योंकि जितना बिकने वाला है उसी के अनुसार ये वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इसमें वस्तुओं की मात्रा कम होती है। जैसे चिल्लर विक्रय करने वाले दुकानदार या बागानी सब्जियों के विक्रेता आदि। तो यह जो है यह हमारी वस्तुओं की मात्रा के अनुसार दो भागों में प्रकार हो गया, थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार।